तुम्हें क्या मालूम किसी खास औरत की है? आपने जिस तरह ये खबर छापी है, हाँ छापी है, आगे उससे ये लगता है कि ये इसी केस का वाकया है। क्या सबूत है? सबूत ढूंढने ही तो मैं आपके और जाइए। आप कुछ नहीं बता सकते या कुछ नहीं बताना चाहते? कुछ भी समझ लो। सुना है वो दड़ियल बहुत चक्कर लगाते रहता है आजकल इधर। कौन दड़ियल साहब? अबे वही जो झोली लेके घूमता फिरता है। लहाने का बेटा है साहब, और वो उसकी बहन। अरे उसे बिस्कुट बिस्कुट दे दो कुछ, उसकी माँ नहीं है। बिस्कुट उधर जीप में से निकाल लो। सब क्यों बिटिया, कुछ मदद लगेगी तो आ जाना। मैला खाने को फिर वही, तुमको तो हर जगह काला। अरे मुकादम बोला मालिक तुम्हारे काम से बहुत खुश है, जरा बंगले पर टहल कर दे। अबे ना कैसे करती, चली गई। अब उसमें क्या हो गया? देख बड़ा मालिक मुकादम जैसा नहीं है, उसने मेरे को कुर्सी पे बैठने को बोला, खाने को बिस्कुट दिया, पहनने को नया लुगड़ा दिया, बोला पुराना लुगड़ा। बिस्कुट और लुगड़े के वास्ते मरी जाती है अंधी साली, देखती नहीं लुगड़ा और बिस्कुट के पीछे एक दिन वो तेरी देह को हाथ लगाएगा। छोड़ दे, तेरा ना मेरे पास साली, तेरा दबोच दूंगा तेरा और चीर कर रख दूंगा उसको ही। मैं लाहनिया का वकील हूँ। मैं भास्कर कुलकर्णी, आपने मुझे देखा होगा कोर्ट में। मैं आपसे इस केस के बारे में कुछ पूछना चाहता था। पैसा नहीं है, तुम जाओ। नहीं, नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मुझे लहानिया को बचाने के लिए सरकार ने मुकरर किया है, मैं उसका वकील हूँ। बाबा जाओ, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। बोला हमको कुछ नहीं मालूम, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी, आप लहानिया भिक्खू के वकील हैं ना? घबराइए मत, ये लोग खतरनाक नहीं है। आपने नहीं बताया कि आप कौन? मैं इन आदिवासियों के बीच काम कर रहा हूँ। लहानिया को आप जानते हैं? जी नहीं, उसकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ आया मैं। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, इस केस के बारे में कुछ भी जानकारी दिला सकें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। लेट्स सी। तुम्हारे गांव गया था? वहां भी सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं बोलता, तुम भी कुछ नहीं बोलते। समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी वजह है कि तुम लोग गूंगे बने हुए हो। क्या टाली, चल देख मेरी गरम मोमबत्ती।
अच्छी नाचती है, लड़की भी अच्छी है। नाचने के बाद क्या करेगी? वो तो तभी मालूम होगा जब वो मेरे साथ जाएगी। तेरे साथ जाएगी कि मेरे साथ जाएगी? बात है, तुम्हें जानकारी चाहिए ना? लहाने की बीवी का खून लहाने ने नहीं किया है, सभापति भोसले, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर पाटिल और उनका एक पुलिस दोस्त, ये चार जिम्मेदार है उस खून के लिए, और बलात्कार भी उन्होंने ही किया है। लहाने देखो, हकीकत मुझे मालूम हो गई है। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस केस में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। डॉक्टर पाटिल, मृत स्त्री के नाभि और प्राइवेट पार्ट्स के बीच काफी खरोंचे थी पर वो गिरने के कारण या जमीन पर घसीटे जाने के कारण भी पड़ सकती हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति जवाबदार हो यह जरूरी नहीं। आपने मृत स्त्री के कपड़े देखे थे? जी नहीं, कपड़े पहले ही उतार दिए गए थे। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूं कि उस साड़ी का एक विशेष भाग खून से लथपथ था तो आप इनकार नहीं कर सकते? इनकार कर सकता हूं। लाश पर जख्म थे ही नहीं तो कपड़ों पर खून कैसे आएगा? सिर्फ नाक के पास सूखे हुए खून के कुछ धब्बे थे। हाँ, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि नाक के पास का खून कपड़ों पर बहा हो? क्योंकि डॉक्टर पाटिल, अगर आपने वो कपड़े नहीं देखे तो उन पर खून के निशान नहीं थे। हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दैट? डिफेंस को एक डॉक्टर और केमिकल एनालाइजर का फर्क समझने की कोशिश करनी चाहिए योर ऑनर। ये सवाल आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं। योर ऑनर, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हुआ ही नहीं है, और ये मेरा स्पष्ट मत है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। यही साबित करने के लिए मुझे ये सवाल इस गवाह से भी पूछने पड़े। योर ऑनर, हमारे अगले गवाह हैं मुकादम शिवा वाघमारे। अभी कहाँ? मालिक के बंगले पे टहल करने मुकादम आया था बुलाने को। दिसंबर 1978 की रात को वहां
वहां कुछ हुआ था? मैं वहां नहीं था सर। बताओ उस रात क्या हुआ? उस रात कॉन्ट्रैक्टर साहब के बंगले पे पार्टी हुई थी सर, और एक आदिवासी दारू पी के आया और दंगा करने लगा। ये आदिवासी कौन था तुम उसे पहचानते हो? बताओ वो लहनिया था क्या? जी मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मार्केट में दो लोग बात कर रहे थे, मैंने सुनी बस, मैं वहां नहीं था साहब। मेरे विद्वान दोस्त अपना कवच कब तक चालू रखना चाहेंगे योर ऑनर? जब तक मेरे सवाल पूरे ना हो जाएं योर ऑनर। लेकिन 5 बज चुके हैं योर ऑनर, मेरे विद्वान दोस्त बाकी के सवाल कल सुबह पूछ सकते हैं। कोर्ट एडजर्न टिल टुमारो। योर ऑनर, लहनिया भिक्खू की बहन की तरफ से मैं अदालत से माफी मांगता हूँ। लहनिया भिक्खू के परिवार में अब उसकी छोटी बहन और 1 साल का बेटा अकेले रह गए हैं, इसलिए अदालत से निवेदन है कि लहनिया भिक्खू को उसके पिता के अंतिम संस्कार में हाजिर रहने की इजाजत दी जाए। प्रेयर ग्रांटेड। मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। अब लहानिया को न्याय दिलाने में मदद। मैं सरकारी वकील हूं भास्कर। सच्चाई जानने के बाद भी? सच्चाई तो यह है कि लहानिया ने सरेआम सबकी आंखों के सामने अपनी बहन का खून किया। नहीं तो बहन के साथ भी बलात्कार होता और फिर शायद खून भी।